सोम प्रदोष की कथा सुनते ही सभी कष्टों व संकटों से मिलेगी मुक्ति, होगी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त, मिलेगा भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सोम प्रदोष की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार 29 जुलाई श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन सोम प्रदोष है, यानी सोमवार के दिन जो प्रदोष आती है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय दिन होता है और प्रदोष तिथि का आना अपने आप में ही सर्वोत्तम महासंयोग बनेगा, क्योंकि प्रदोष जो होती है वह भगवान भोलेनाथ की परम प्रिय तिथि होती है, वह भी श्रावण के महीने में सोमवार के दिन प्रदोष का आना, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह होता है और सोमवार का दिन और प्रदोष तिथि तीनों का संयोग अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ और महासंयोग है। इसे त्रिपर्व संयोग के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ साक्षात पृथ्वी पर इस समय विचरण करते हैं और प्रदोष तिथि और सोमवार का दिन यदि है तो आप प्रदोष व्रत इस दिन से यदि प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो निश्चय आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा नौकरी रोजगार व्यापार या कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति आपको प्राप्त होती है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण निर्मित होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की यदि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष का व्रत चूंकि सोमवार के प्रदोष व्रत के समान ही माना गया है। सोम प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए और सायंकाल के समय पूजन पाठ विशेष रूप से किया जाता है। जो प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन आता है वो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं और वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। सोम प्रदोष की जो कथा है वह धर्म ग्रंथों में इस प्रकार बताई गई है। बोलिए शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर, मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे, अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। तो अब हम आपको सोम प्रदोष की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया, उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकल पड़ती थी। भिक्षा टन से जो भी उसको प्राप्त होता था उसी अन्न या धन से स्वयं या अपने पुत्र का पेट पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उठा करके उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इस कारण वह जो लड़का था वह मारा मारा इधर उधर घूम रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उसके ऊपर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने वहां पर ले आई। उन्हें भी राजकुमार बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए और उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया और दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया। जिस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार का लालन पालन किया था वह ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत रखती थी।
उस प्रदोष के व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता ने राजकुमार विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक वह राजकुमार वहां का राजा बन गया। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना महामंत्री प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेर देते हैं। सोम प्रदोष के दिन इस प्रकार वह प्रत्येक प्रदोष के दिन व्रत किया करता था और इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से उसको सब कुछ प्राप्त हुआ था। तो सोम प्रदोष के व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है और सोम प्रदोष के कारण ही वह राजकुमार अपने राज सिंहासन पर पुनः स्थापित हो गया। तो सोम प्रदोष की कृपा से ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। सोम प्रदोष के दिन व्रत करने वाले व्रती को प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहे और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 4:30 बजे से लेके 7 बजे के बीच होती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल अथवा पूजा घर या मंदिर में जाकर के वह पूजा कर सकता है। 5 रंगों से रंगोली बना करके शुद्ध और पवित्र मंडप तैयार करें। पूजन की सारी सामग्री वहां पर एकत्रित करें और उसके बाद वहां बैठ करके संपूर्ण पूजन सामग्री वहां पर स्थापित कर लेवे और भगवान भोलेनाथ को प्रिय लगने वाली सभी वस्तुएं जैसे रोली, चावल, अक्षत, अबीर, गुलाल, चूंकि हल्दी, मेहंदी और सिंदूर एवं कंकु जिसे रोली कहा जाता है वो माता पार्वती को चढ़ाई जाती है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी विराजित रहती है, इसलिए भोलेनाथ को तो आप चंदन, अक्षत एवं अबीर गुलाल चढ़ाएं। उनके साथ जो माता पार्वती यानी जलाधारी स्वरूपा देवी जगदम्बा निवास करती है उनको आप हल्दी, मेहंदी, कंकु, सिंदूर और सौभाग्य की समस्त वस्तुएं चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, अकव्वे के पुष्प, इसके अलावा आप जो है भांग और भस्म, इसके साथ ही शमी पत्र आदि वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान को धूप दीप दिखा करके सभी वस्तुएं चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करें और भगवान भोले बाबा का ध्यान करें। भगवान से प्रार्थना करें कि करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख शांति और समृद्धि का हमें प्रदान करें। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस प्रकार भगवान का अच्छी प्रकार श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजन करें। पूजन करने के बाद जो है उनको धूप दीप दिखा करके भोग लगावे। भोग में भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद वस्तु सबसे अधिक प्रिय होती है। सफ़ेद वस्तु में आप दूध से बनी मिठाई या फिर सफ़ेद अन्य जो वस्तुएं होती है वो आप उनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोग लगाने के बाद पुंगी फल तांबुल यानि 5 सुपारी, लौंग, इलायची उनको अर्पित करें और नारियल वहाँ पर पूरा चढ़ाया जाता है। नारियल को तोड़ा या फोड़ा या जो है बदारा नहीं जाता है, उसको पूरा नारियल वहाँ पर अखंड श्रीफल अर्पित कर दिया जाता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाती है यानी पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना का ये मतलब होता है कि हमारे द्वारा पूजन में किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो हे प्रभु हमें आप क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके नेत्र से जरूर लगावे
और भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मित्रों, यह ज्ञानवर्धक कथा हमने आपको जो सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।